नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। आज है 13 नवंबर 2019। आज हम बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से जुड़े मुख्य समाचार के बारे में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे आपके दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में मुख्य समाचार के साथ साथ दो प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देता हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए सबसे पहले उन दोनों प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आज की ताज़ा खबरों के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें वर्ष 2021 से राज्य में सरकारी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, असम। आज की इस वीडियो का दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है एनसीपी, ऑप्शन सी है भाजपा, ऑप्शन डी है शिवसेना। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, भाजपा। अब आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 को लेकर है। उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी तलब की है। याचिकाकर्ता का नाम विनय कुमार पांडे और इनके साथ 2 अन्य हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने प्रदेश सरकार को 14 नवंबर 2019 तक मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि संसद ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की है। इसकी अधिसूचना 18 फरवरी 2019 को जारी हो चुकी है और कानून प्रभाव में आ चुका है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की है, जबकि एससी एसटी ओबीसी और विशेष आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। अब इस पर अगली सुनवाई जब होगी 14 नवंबर के बाद, अब सरकार जो जवाब लगाएगी उसी के आधार पर सुनवाई होगी और संभावना है कि उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2019 में आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसा ही आगे होने वाला है। तो देखते हैं कि सरकार इस पर क्या तर्क देती है। सरकार के तर्क के आधार पर ही जो भी जानकारी होगी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आखिरकार सरकार इस मामले में क्या कह रही है, तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीओ 2018 मुख्य परीक्षा में मॉडरेशन एवं स्केलिंग प्रक्रिया को लेकर है। मॉडरेशन और स्केलिंग प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है। पीसीओ 2018 की मुख्य परीक्षा हो चुकी है और इस बार भी कापियां पुराने ढर्रे पर ही जांची जाएंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने अपनी ज्वाइनिंग के शुरुआती दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान यह माना था कि मॉडरेशन एवं स्केलिंग की आड़ में गड़बड़ियाँ होती रही हैं, इसमें सुधार की ज़रूरत है, अगर आवश्यकता पड़ी तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। केवल आयोग अध्यक्ष ही नहीं बल्कि सीबीआई ने भी पीसीओ 2015 में मॉडरेशन और स्केलिंग में हुई गड़बड़ियों के आधार पर ही आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि पीसीओ 2018 की मुख्य परीक्षा में आयोग मॉडरेशन और स्केलिंग प्रक्रिया में संशोधन कर सकता है ताकि गड़बड़ियों की गुंजाइश ना रह जाए, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया गया है। मुख्य परीक्षा हो चुकी है, मॉडरेशन एवं स्केलिंग प्रक्रिया में संशोधन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि पीसीओ 2018 की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसकी जो कापियां जांची जाएंगी वह पुराने ढर्रे पे ही जांची जाएंगी, पुराने तरीके से ही जांची जाएंगी और मॉडरेशन और स्केलिंग प्रक्रिया जो पहले चल रही थी वही रहेगी।
तो अब उम्मीद खत्म हो चुकी है कि पीसीए 2018 में माड्रेशन और स्केलिंग प्रक्रिया में कोई संशोधन हो पाएगा। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आज की तीसरी ताजा खबर राजस्थान सेना भर्ती की लिखित परीक्षा परिणाम को लेकर है। राजस्थान सेना भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम आज 11:15 पर जारी होगा। यह परीक्षा 20 से 29 जुलाई को भीलवाड़ा तथा 28 अगस्त से 6 सितंबर तक गंगानगर में आयोजित की गई थी। परिणाम का इंतजार काफ़ी अभ्यर्थी कर रहे हैं, तो आज 11:15 पे परिणाम को घोषित कर दिया जाएगा। 11:15 पे राजस्थान सेना भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, तो आप सभी 11:15 का इंतजार करें। आज की चौथी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार के पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसकी परीक्षा तिथि को लेकर है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर परीक्षा कब होगी, इसके संबंध में कोई जानकारी हो तो आप मुझे बताएं। आपको मैं बता दूं 1034 पद जनरल के थे, 557 पद ओबीसी के थे, 433 पद एससी के थे और 41 पद एसटी के थे। इसकी परीक्षा जनवरी माह में आयोजित की जाएगी। जेल वार्डर और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी घुड़सवार के पदों पर जो विज्ञापन जारी किया गया था इसकी परीक्षा जनवरी माह में की जाएगी, जनवरी 2020। आप सभी नोट कर लीजिए, जनवरी 2020 में इसकी परीक्षा होगी। और जो भी जानकारी इस भर्ती के संबंध में होगी सही सटीक प्राप्त होगी तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। पांचवी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 की प्रतीक्षा सूची को लेकर है। क्या ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 की प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची की मांग कर रहे हैं। करुणेश कुमार दो अन्य के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, ऑर्डर भी आ चुका है। पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कहा जा रहा था कि प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1980 की नियमावली में साफ साफ लिखा गया है कि कुल पदों की 25% प्रतीक्षा सूची जारी की जा सकती है, तब भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है। और जो नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है वह नवंबर 2016 में हुआ था। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन 2015 में जारी हुआ था तो इसमें प्रतीक्षा सूची आनी चाहिए। ऑर्डर आ चुका है, कुछ अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पे गए भी थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2015 में रिक्त पद थे उसे वीडियो 2018 में जोड़ दिया गया है, पद रह नहीं गए। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैसे निकाले प्रतीक्षा सूची, अब मामला फंस चुका है। अब यह देखना होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब क्या करता है। क्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट जाएगा या जो और रिक्त पद हैं उस पर अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देगा। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। छठवीं ताजा खबर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आज बैठक है। संभावना जताई जा रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के दो विषयों का परिणाम आज जारी किया जा सकता है अगर बैठक में सहमति बन गई। पहला विषय होगा अंग्रेजी और दूसरा विषय होगा इतिहास। इन दोनों का अंतिम चयन परिणाम आज जारी हो सकता है। आपको बता दें कि 147 पद अंग्रेजी में हैं और 38 पद इतिहास में हैं। अब देखना होगा कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा, लेकिन संभावना है कि आज शाम तक आयोग द्वारा दो विषयों के परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।